मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊसो दशरथ अजर बिहारी, बोलिए दशरथ नंदन रघुवर राम चंद्र जी महाराज की। विष्णु जी अवतार धार के हो, विष्णु जी अवतार धार के लीला बड़ी दिखाते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। चैत्र शुक्ल नवमी के दिवस भगवान श्री हरि विष्णु ने राम रूप में मां कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। महाराजा दशरथ की अन्य दो रानियों सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। समस्त संसार इन बालकों के दर्शन करने हेतु व्याकुल है भक्तों। चैत्र शुक्ल नवमी का जब राम रूप में आए, दशरथ के महलों में थे बड़े उमंग रंग छाए, गए झूम अयोध्या वासी दिन भागों वाला आया। सुमित्रा के दो पुत्र एक कैकेयी ने जाया, गुरु वशिष्ठ बुला के था फिर नामकरण करवाया, कौशल्या के पुत्र राम के कई कबरत कहाया। दो बालक थे सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लगे देवता करने इन सबके दिव्य दर्शन। बाल लीलाएं देख के भक्तों फूले नहीं समाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। चारों राजकुंवर जब कुछ बड़े हुए भक्तों, तब गुरु वशिष्ठ की आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा प्राप्त कर जब महलों को आए, तो मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा करने हेतु वनों को अपने साथ ले गए भक्तों। गुरुवर से लेकर शिक्षा सीखे थे अस्त्र चलाने, प्रवीण हुए विद्या में ये चारों बड़े सयाने। गुरु पत्नी अरुंधति भी उन्हें चूमे बारंबार, जब लौट के आए अयोध्या सर झुकाए नर और नारी। राज वेश में चारों बहुतों लगते अति ही प्यारे, तीनों माताएं धन्य दशरथ भी जाते बारे। एक दिन राज महल में ऋषि विश्वामित्र पधारे, दशरथ को फिर दर्द सुनाया कुछ हर कष्ट हमारे। राम लखन को ले जाऊं मैं राक्षस बड़े सताते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते करते प्रभु श्री राम ने ताड़ का और सुबाहु का अंत किया तथा मारीच को बिना फर का बाण मार कई योजन दूर फेंक दिया। महाराजा जनक के आह्वान पर मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी जा रहे हैं, जहां मार्ग में प्रभु राम ने अहिल्या का उद्धार किया।
रग में ताड़ का मारी, श्री राम ने बाण चलाया, दैत्यों को सबक सिखा के यज्ञ पूर्ण था करवाया। फिर राम लखन दोनों को ऋषि जनकपुरी में लाए, सीता का जहां स्वयंवर थे बड़े बड़े राजा आए। पिनाक तोड़ने वाले फिर तो राजन शर्त लगाई, जो कोई तोड़े धनुष वो जनकपुरी का जवाई। श्री राम विष्णु अवतारी अद्भुत रच दी माया, अहिल्या को फिर पैर लगा कर शाप से मुक्त कराया। धनुष जहाँ रखा था शिव का उसी जगह आ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय धनुष यज्ञ भंग कर प्रभु श्री राम ने सीता जी संग विवाह रचाया और महाराजा जनक की अन्य तीन पुत्रियां भी भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ ब्याही गईं। अब दशरथ जी के मन में राम को राजा बनाने की लालसा जागी, परंतु कैकेयी की कुटिल बुद्धि ने क्या चाल चली, आइए सुनते हैं। श्री राम ने धनुष उठाया एक पल में तोड़ डाला, जनक नंदनी सीता ने डाली थी वरमाला। पावन नगरी अयोध्या सब झूमे नाचे गाए, चारों भाई फिर मिलकर थे चार दुल्हनियां लाए। जिसकी आस नहीं थी दिन ऐसा ही फिर आया, मैं हो जाऊं सन्यासी था दशरथ ने फरमाया, राजा राम बना दूं दशरथ ने सलाह बनाई, राजा मेरा भरत बनेगा कैकेयीन टांग अड़ाई। रामचंद्र वनवासी होंगे दशरथ आंसू बहाते, राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। कैकेयी ने अपने धरोहर में रखे दो वरदानों में एक में भरत का राज्य और दूसरे में राम का वनवास मांगा। राम जी वनों में आ गए हैं, भरत राम जी को वापस लेने जाते हैं परंतु ला नहीं पाते हैं, सो उनकी चरण पादुका ही ले आते हैं। प्रभु राम पंचवटी में क्या लीला कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो लेख लिखे विधना ने वो टाल सके ना कोई, अपने किए क्या होता जो राम करे सो होई। दशरथ के महलों में फिर छा गई थी घोर उदासी, थे राम लखन और सीता होके थे चले वनवासी। प्रेम भरत का उनको देखो वापिस ला ना पाया, चरण पादुका लेकर वो फिर नगर अयोध्या आया। पुत्र बिछोह में दशरथ भक्तों छोड़ गए तन चोला, बेबसी थी सबको दुख विपदा में मन था डोला। पंचवटी में कुटी बना के राम जी समय बिताते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। पंचवटी में रावण की बहन सूप नखा के नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए हैं,
रावण बदला लेने हेतु सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है। उधर राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा आते हैं, जहां पर सुग्रीव से उनकी मैत्री होती है और हनुमान जी प्रभु मुद्रिका लेकर लंका की ओर जा रहे हैं। मोहित हुए रघुवर पर त्रिशूप नखा वहां आए, लक्ष्मण ने नाक काट दी वो लंका जा चिल्लाए। फिर रावण ने छल करके सीता का हरण किया था, रस्ते में अड़ा जटायु रावण ने काट दिया था। सीता जी की खोज में रघुवर लखन बड़ा दुख पाए, शबरी की कुटिया में आकर प्रेम से बेर थिखाए। सुग्रीव से हुई मित्रता मिला हनुमत फिर प्यारा, बाली को दंड दिया था उसे तीर फिर मारा। मुंदर लेकर हनुमान जी लंका में उड़ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष कर श्री हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मुख में डाली और 100 योजन सागर लांग गए। लंकिनी कुमार लंका में प्रवेश किया, रावण की सारी लंका जलाई और माँ सीता की चूड़ा मणि निशानी लेकर वापस आए। भक्तों प्रभु राम ने उन्हें हृदय से लगाया और भरत के सम भाई बताया। सुरसा और लंकिनी भी रास्ता रोक न पाई, वाटिका में मैया सीता हनुमत को नजर थी आई। मुद्रिका देकर हनुमत चरणों में झुक गए जाके, प्रभु राम जिले ने आए यूं बोले शीश नवाके। वाटिका थी खूब उजाड़ी अक्षय कुमार संघारा, ब्रह्म पाश में बंद गए जाकर रावण को ललकारा। जब पूछ में आग लगी ना राम दूत घबराया, रावण रह गया देखता सारी लंका को था जलाया। चूड़ा मणि को लेके हनुमत लौट के वापिस आते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका में आ पहुंची है। लक्ष्मण और मेघनाथ आमने सामने हैं, दोनों बलशाली योद्धा हैं कि तभी छल से मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। हनुमान जी द्रुत गति से उड़कर हिमालय पहुंचे और बूटी वाला पर्वत लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी। भक्तों रघुवर को चूड़मणी में सीता ही नजर थी आई, सारा दल बल ले करके लंका पर कर दी चढ़ाई। हो हनुमत जैसा सेवक फिर कौन सी बात से डरना, था अंत निकट रावण का संग में कुटुंब को मरना। एक एक करके मर गए योद्धा हो गई लंका खाली, लखन लाल को लागी शक्ति शक्ति वो शक्तिशाली। पवन वेग से उड़कर देखो हनुमत बूटी लाए, वैद सुषेण थे हाजिर बूटी से फिर प्राण बचाए।
विभीषण जी को छोड़ सभी फिर जंग में मारे जाते। राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जब रावण का समस्त कुल नाश हो गया, तब वो स्वयं प्रभु राम से युद्ध करने उनके सन्मुख आया। कई दिन तक उन दोनों का युद्ध चला भक्तों। फिर विभीषण की युक्ति बताने पर प्रभु राम ने रावण का अंत कर दिया। सभी देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं, परंतु घर के भेदी ने लंका ढा दी है भक्तों। जब मर गए बेटे भाई तो अंत में रावण आया, फिर प्राण कहाँ थे तन में विभीषण ने बतलाया। बाणों से गगन ढका था, युद्ध दिन में रहता जारी। इस युद्ध को देख रही थी देवों की नगरी सारी। रघुवर ने फिर ब्रह्म अस्त्र रावण की ओर चलाया, काट दिए दश शीश थे उसके, धरती पे उसे गिराया। उड़ गए थे फिर प्राण पखेरू, लग रहे थे जयकारे। पापी का फिर अंत हुआ, गिन गिन कर दैत्य थे मारे। घर का वेदी लंका ढाए, सुनते तभी से आते। राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। रावण के मरने पर विभीषण जी आदर सहित सीता माता को ले आए, परंतु प्रभु राम ने उनकी अग्नि परीक्षा लेकर सबको चौंकाया। परंतु ये प्रभु की लीला ही थी। अब सब पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ गए, जहाँ प्रभु श्री राम का राज तिलक हुआ और सारी नगरी झूमने नाचने गाने लगी। सीता की अग्नि परीक्षा फिर ली थी श्री राम ने, वह सबको था चौंकाया श्री रघुवर परम धाम ने। कोई दोष नहीं सीता में, ये अग्नि देव समझाते। पुष्पक विमान में चढ़ के सारे अयोध्या को आते। सबसे अधिक थे खुशी में झूमे भरत लाल जी भाई, मूर्छित हो गए खुशी में भक्तों, खुशी न छुपी छुपाई। फूलों की कर दी वर्षा, नगरी में दीप जलाए। वनवास थे काट के रघुवर, आज अयोध्या आए। राज्याभिषेक हुआ रघुवर का, जय जयकार लगाते। राम की कथा सुनाते सबको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। प्रभु श्री राम माता जानकी सहित राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। गुरुओं ने राज तिलक कर उन्हें अयोध्या नगरी का राजा घोषित किया हुआ है। तीनों भाई चमर ढुरा रहे हैं, माताएं आरती कर रही हैं, मंगल गान गा रही हैं, गुरुवर आशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या के नगर निवासी घी के दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तीनों लोकों से पुष्पों की वर्षा हो रही है। देवी देवता भी ऐसा नयनाभिराम दृश्य देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप भी ऐसे दृश्य में खो जाइए भक्तों, और मेरे साथ सच्चे हृदय से बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। कर
अप्सरा ने तिथि सारी लगे गंधर्व गाना गाने रत्न आभूषण फिर बांटे भरपूर थे सभी खजाने आदर सम्मान को पाके सब लौटे बारी बारी सिया राम के सेवक सच्चे मुस्काए रहे बलकारी ना हीरे और मोती चाहिए ना मेवा के भूखे हम सेवक हैं सिया राम के बस सेवा के भूखे मेरे सतगुरु श्री करण सिंह ने मुझे ज्ञान सिखाया कमल सिंह रघुवर की कोई माया जान न पाया राम नाम नित गाने वाले राम की कृपा पाते राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते बोलो जय 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 श्री राम 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 ही भक्ति राम ही पूजा राम सिवा नहीं जग में दूजा सुबह भी राम शाम भी राम राम ही भक्ति राम ही शक्ति राम नाम से मिलती मुक्ति जो भी जपते राम का नाम राम ही मोह है राम ही माया कण कण में है राम समाया राम नाम सभी पाप जलाए महामंत्र मुनि विषय ब्याल की जपत ही मिटत कुअंक भाल की जन्म मरण का संशय गयूं सुमिरि पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखेउ रामा राम नाम से प्राणी तरते जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ेउ असुर अधम अभिमानी तब तब राम लिए अवतार राम ही मारे राम दुलारे संकट से प्रभु राम उबारे भक्त जनों के राम ही ईश्वर जल के ऊपर सेतु बनाए राम नाम पत्थर तैराए राम की चरण धूलि जो पाए उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना राम नाम के वट को तारे जब तू सारे जग से हारे छोड़ दे नैया राम सहारे बन के आएंगे पतवार राम नाम जप कीजिए तज ममता अभिमान ज्यो ज्यो जप आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान मर्यादा में जीना सिखाए सबके हृदय में राम समाए सबसे बड़ा है जग में नाम राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा हरि हर कथा विराजत बेनी बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई जा पर कृपा राम की होई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी उनि बंदउ शारद सुर सरिता
सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी महावीर विनमो हनुमाना रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते जनक सुता जग जननी जानकी राम भगत हित नर तन दारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम सप्रेम जपत अनयासा भंजे उ राम आपु भव चापु भव भय भंजन राम प्रतापु निशिचर निकट दले रघुनंदन नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि नारद जाने उ राम प्रतापु कहों कहां लगी राम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई नाम जपत प्रभु दिए प्रसाद राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन अचरज नहीं मानहु जिनके विमल विचार राम नाम ही केवल अपना माया मोह जगत सब सपना बंद जुबा की खोल के ताला भक्त पे जब जब संकट आया राम प्रभु ने आके बचाया भक्त प्रहलाद का संकट टारा भक्त विभीषण शरण में आया राम ने उसको गले लगाया सुग्रीव के बने सहारे राम नाम की महिमा भारी अति मनोहर मंगलकारी जो जन राम नाम गुण गाए ब्रह्मा शिव भी दर पे आते राम शरण में शीश झुकाते नारद ने जप राम का कीना राम नाम है जग का सार सबके जीने का आधार अन्नदाता धनदाता राम नर और नारायण है राम तुलसी के रामायण राम गीत और संगीत भी राम राम शरण में ध्यान लगाया वैदेही ने राम को पाया जन्म जन्म मुनि जतन कराही जो जन करे राम की भक्ति उसको मिलती अनुपम शक्ति राम नाम जप के हनुमाना राम नाम कपि जब जब लीना पल में पार समंदर कीना सुरसा बदन पैठ विस्तारा राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताओगे प्राण जाए जब छूट महावीर को रोक न पाई हार के सुरसा शरण में आई राम दूत लंकिनी ने रोका अक्षय कुमार को कपि संहारे राम नाम ले लंका जारे सीता माँ का पता लगाए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बक्सर में यज्ञ करने को ठानी ताड़का सुबाहु राक्षस आए राम नाम में शक्ति अपारा जाने विदित सकल संसारा राम कृपा जग जननी जानकी
राम नाम जो निश दिन गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, श्री राम जय जय राम, जब भजो तब राम ही राम, आते जाते जय श्री राम। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, शारदा शरण में शीश झुकाए, राम पिता की आज्ञाकारी, राम देखी हर्षित महतारी, सारे अयोध्या के नर नारी, गणिका गिद्ध अजामिल तारे, पापी को भी राम उबारे, अंत में राम जो मुँह से कहता, सदाचार श्री राम सिखाए, सत्य सनातन धर्म बचाए, छोटे बड़े का भेद मिटाए, राम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा ना कोई, राम नाम जो भी जपे जन्म सवारत हो, जग है भिखारी दाता राम, सबके भाग्य विधाता राम, दुखियों के दुख पल में मिटाए, राम पिता का वचन निभाए, छोड़ अयोध्या वन में आए, राजा से बन गए वनवासी, रथ पे जब सुमंत बैठाए, सबकी नैना नीर बहाए, दशरथ खुद को रोक न पाए, अत्रि मुनि के आश्रम आए, आदर सहित मुनि बैठाए, तप ज्ञान वैराग्य सिखाए, अनसुईया माँ पतिव्रता नारी, संग में देखी सिया सुकुमारी, पतिव्रता का पाठ पढ़ाई, भरत जी जब ननिहाल से आए, राम विछोह को सह नहीं पाए, चित्रकूट को दौड़े आए, कह कई लौटा देगी वर को, लौट चलो भैया तुम घर को, भरत जी बहु भांति समझाए, सिर पे खड़ाऊं आँख में पानी, भरत जी ले चल राम निशानी, राम खड़ाऊं का पूजन कीना, राम राम कहि राम सहारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, राम नाम ही यंत्र तंत्र है, जात पात पूछे नहीं कोई, राम भजे सो राम के होई, सबके दिल में है श्री राम, राम जपो आधो घड़ी, घड़ियों में पुनिया, राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध, वेद पुराण सभी ने माना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, राम की निंदा सुने जो काना, मन में बसेंगे जब श्री राम, बन जाएंगे बिगड़े काम, विश्वामित्र अयोध्या आए, विश्वामित्र मुनि मुस्काए, राम को बहु भांति समझाए, ताड़का सुबाहु दुराक्षस रहते, राम धर्म की लाज बचाओ, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ, ताड़का सुबाहु कुमार गिराओ,
विश्वामित्र की आज्ञा पाए, तीर धनुष श्री राम उठाए, तनिक नहीं प्रभु देर लगाए। राम नाम ही एक अधारा, राम बिना कोई उतरे न पारा, राम नाम से जो प्रीत लगाए। धरती पे हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पापी जब उत्पात मचाए। आन बान सम्मान है राम, संत जनों की शान है राम, दिन दुखियों के भाग्य विधाता। संकट में जो राम पुकारे, राम उसे देते हैं सहारे, राम कृपा से सब कुछ मिलता। देख लो करके राम की भक्ति, मिलेगी तुमको अनुपम शक्ति, जिस पे राम कृपा बरसाए। राम कृपा से जीव का होता है उद्धार, अंत समय में राम ही करते बेड़ा पार। पुरुषों में सबसे उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदि मध्य और अंत है राम। सीता जी के प्यारे राम, हर दूषण को मारे राम, सभी संकट से राम बचाए। गुण देते अवगुण हर लेते, भक्त जो चाहे वो वर देते, राम नाम अनमोल रतन है। राम ही करे राम करवाए, राम हंसाए राम रुलाए, छोड़ दे नैया राम सहारे। जिसने राम नाम गुण गाई, अंत समय में सदगति पाई, राम जपे जो मन चित लाई। राम से सागर पार न पाया, राम के आगे शीश झुकाया, हार के राम शरण में आया। बुद्धि और विवेक है राम, रूप अनेकों एक है राम, राम ही ब्रह्म है राम ही ईश्वर। चारों वेद के सार है राम, श्री हरि के अवतार है राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जा पर जा कहूँ संकट होई, निश्चय राम ही सुमिरे सोई, पल में संकट दूर हो जाए। संत हित को लिए अवतारा, हर दूषण को राम ने मारा, रावण सुनते ही समाचार। राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम की आग से भस्म हो जाते पाप। क्रोध में लंका पति गुस्साया, कुंभकर्ण को जाके जगाया, कुंभकर्ण योद्धा बलवाना। रण में सन्मुख राम के आया, बहुत ही सेना मार गिराया, विभीषण को पकड़ के छोड़ा। बोला रण में भले मर जाऊं, लेकिन कुल द्रोही न कहाऊं, भीषण गर्जन किया बलशाली। युद्ध में सन्मुख राम जी आए, कुंभकर्ण को मार गिराए, सुना मेघनाथ बलवान।
नागपाश का किया संधान, राम लखन हुए मृतक समान। सुन के सूचना गरुण जी आए, वीर लखन मेघनाथ कुमारे, श्री राम रावण संहारे। लंका विभीषण को दीना, 14 वर्ष वन में बिताए, सब असुरों को मार गिराए, सीता जी को अयोध्या लाए, मार के सारे पापी तारे, पापी तर गए राम सहारे, धरती के सभी पाप मिटाए, राम की अमृत धारा को सुने जो ध्यान लगाए, दुख दरिद्र सब कट जाए, राम शरण वो पाए।